इस वक्त जंजवार की टीम सिंघू बॉर्डर पर है। ये वो जगह है जहां से आंदोलन की बुनियाद बनी, शुरुआत हुई, जो सबसे ज्यादा ताकतवर ढंग से यह इलाका आंदोलन के साथ खड़ा हुआ। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा से आई हुई चाचियां हैं, ताई कहते हैं यहाँ पर, उनसे हम पूछते हैं कि आंदोलन तक आने की उनको क्या जरूरत पड़ गई। जी बताइएगा। जी बेटे, हमारे भैया जरूरत पड़ गई। अच्छा, हमारे भैया जरूरत पड़ गई, ये तीनों कानून अपने वापस ले लो और हमने सुख शांति का घरा गाल दो, जो कम कर खा ले दुनियादारी में। ये हमारे ऊपर फांसी दे रहे, क्योंकि नहीं बसने दे रहे, ये हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा किसी बात की भी। अपना आप तो अंडा कितना दिल्ली, कितना बम्बीर, कितना अम्बाड़र, कितना कलकत्ता, हर हमारा बॉर्डर पर पड़े सारे किसान छोटे छोटे बच्चा ने ले लेके ने, क्यों खेती बाड़ी ने कौन से बाड़ा का क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, यह बताओ तुम्हें। तो मोदी कहते हैं सब भ्रम में हैं, बरगलाए हुए हैं, उनको कोई बका रहा है। कोई बका रहा है, हमने बका रहा है, कौन हाड़ा बका अडाने का, देखो उतरता क्यों ना अडाने का ना, वो और देशा मांडा कितना कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, अडाने का क्यों ना देखता दुनिया ने, किसके लाश लाने खपा हुआ हो। हम तो नहीं सोचा, हम सुख शांति थे अपने घर चले जा, हमारे तो उठकर ना जो हमारे तीनों कानून वापस ले लो। अच्छा चाची, ये बताओ कि सुनते क्यों नहीं मोदी है? हम तो मोदी जी के आगे भाई हाथ जोड़े हैं, मोदी जी हमारी अरदास सुने और सारे जमींदार ने तीनों कानून उल्टे लेकर और इनके घर भेज दिए। हम तो यही विनती करें मोदी जी तो कहते हम नहीं लेंगे, मोदी जी किसाना ना खुश कर दी, हड़पड़े रहेंगे हम नहीं लेगा ना, छह साल अड़ छह लाख जाइयो पर हमारे तो उठे को ना आर पार से। खतरा क्या है, क्या होने वाला है? वो खतरा तो तुमने बेरा बेटा, क्या है उसका तो आगे ना पक्ष है, उससे तो कुछ नहीं बेटा, मारे मरेंगे अपने मरेंगे जे मारे देखिए। महिलाएं कह रही हैं कि उनके बाल बच्चे नहीं हैं, तो ये बाल बच्चे और राजनीति का कोई रिश्ता है, इन्हीं से पूछते हैं। जी क्या मामला? रे उनका बालक होता उन्हें न्यू बेरा लागे, न्यू बाल कहाँ खर्चा चल लिया कर बेरा, अरे मारे जवान बालक आ रहे इनकी नाड़ के ऊपर आ रही धर रही आयु, इन्हें शर्म नहीं आती, ये शर्म न और मुद्दे मार कर छोड़ेंगे उसकी कुर्सी ने। हाँ अपने बटन वह उसका क्या नाम है, वो मैं जानती भूल गई, वह क्या कहा है कि सामान खरीद कर ले रहे हैं, जो वह खरीदवा हो ना, जो उसका चक्कर देख पड़े उसके मर नहीं है ना, जो उन्हें बेरा पट्टे है ना, कच्ची भाई जमींदार हैं, अरे अड़े बैठे रंगे रल्ला नहीं कत्ती। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, आप लोग हैं जी बताइएगा। हाँ ये बताएं कि आप लोगों को इस ठंडी में आने की यहाँ जरूरत क्या पड़ गई? ए भाई जरूरत क्यों ना, जब हमारे बालक यहाँ बैठे अत हम बूढ़े क्या करेंगे घर में, हमने कौन खिलाएगा, किसान इतना दुखी हो रहा है, पाड़े में खेत में जाता है फिर खरीद कुमा कर ना अपने घर में गिरते हैं मंडी में, उसका लखाते हमें अगर हमने किसी बा मिल लेगा फिर हमने खर्चा पानी कुछ नहीं चाहिए बेटा, ये हमारे बालक है, हमारे आदमी है, हमारे बच्चे है यहाँ आ रहे हैं, हम इधर बताओ क्या करे, कुछ भी साथ देखो ना? हम तो अपना हक लेने आ रहे हैं, अपना हक लेके जाएंगे भाई, छोटे छोटे बच्चे खेती कर रहे हैं, वह भी सस्तवाड़े में था 1900 का बात हमने कदे भी नहीं सुना था, इस साल भूखे मर रहे हैं, रोड़ा पर बैठा दिए, आँखा में आंसू बहती है, किस किस का किसका साथ लो हमारे पास के है। जब महिलाएं आंदोलन में उतनी नहीं है जितनी रहनी चाहिए, संख्या कम क्यों है, कम क्यों है, मतलब जैसे मर्द बहुत ज्यादा है महिलाएं बिल्कुल कम है, जबकि खेती बाड़ी तो खूब करती हैं महिलाएं। फिर खेती बाड़ी तो बेटा में महिला कर रहे हैं, ला कर कर रहे हैं, जिसके आदमी नौकरी पेशे पर नहीं, जिसके बच्चे नहीं, तो वो खेती क्यारी तो करेंगे, वो महिला भी तो कर रहे हैं, रात में पानी भी देवा है, छोटे छोटे बच्चे ने छोड़ कर नौकरी ना नौकरी ना कुछ भी को ना भूखे मर दो। देखिए चाची कंगना रनौत से बहुत नाराज है, क्या बोली कंगना जो नाराज है? आके मैं 100 रुपया में खरीद कर लिया ला, उसने खरीदेंगे। अच्छा हाँ, और हम जमींदार हाँ रास्ते नहीं गए, इतने अपने कानून वापस नहीं लेगा, इतना नाड़ बैठक उतर जाइयो। हाँ मारे तो सारे बैठे रहे रात दिन, बुढ़े बाढ़े गड्ढे भी टूटे पड़े बुढ़े के, और भाई हम अपना वो फैसला। ये हरियाणा से महिलाएं हैं, ताइयां हैं, उम्र 70 बरस 75 बरस की है, 60 बरस की महिलाएं हैं, ये आई हुई आंदोलन का सहयोग करने, साथ देने। दो बातें कहा है, एक अपने अनुभव से कहा है कि जिंदगी में जिनके बाल बच्चे नहीं हैं वो कष्ट नहीं समझ सकते। इन्होंने मोदी और खट्टर दोनों का नाम लिया है,
कि अगर परिवार ना हो तो परिवार का कष्ट भी आपको पता नहीं चलता है, जिंदगी की जरूरतें कैसे पूरी की जाती हैं इसका अनुमान नहीं लगता है। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का एहसास न होता हो, लेकिन ये महिलाएं चंद दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनकी बातों में जो सही है, जो वाजिब है, वह ये है कि आखिरकार हमारी सरकार हमारा सुनना क्यों नहीं चाहती। पूछ रही थी अभी कि हमारी सुनती क्यों नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी कल भी मन की बात करते हैं, दो दिन पहले आज भी मन की बात करते हैं, उनके मन की बात खत्म नहीं होती और जनता की काम की बात वह सुनते नहीं। सवाल ये है कि ऐसे में यह देश चले तो चले कैसे, जाए तो जाए कहाँ, आखिर ऐसी जगह पर ला खड़ा किया है जहाँ की न आगे बढ़ रहा है मामला, न पीछे बढ़ रहा है। किसान कह रहे हैं हम अपने वाजिब मांगों के साथ हैं। किसानों को जब बिचौलिया कहा जा रहा था, कल लगातार हमने आपसे बात की थी गाजीपुर बॉर्डर पर और पूछा था कि असल में बिचौलिया कौन है, असल में दलाल कौन है, क्या किसान बिचौलिया है या फिर मोदी बिचौलिया हैं, आखिर किसकी वजह से वह नहीं मान रहे हैं, क्या शर्तें हैं उनकी, किसने कहा ये कानून बनाओ, किसने कहा कि कानून को ला दो इस देश पर, करोड़ों किसानों पर आपने एक ऐसा कानून लाद दिया है जिसको यह इनकार कर रहे हैं और इनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। यह अजीबोगरीब स्थिति इस देश में आ गई है, लोकतंत्र में आ गई है। हालत ये है कि चुने हुए सांसदों के मुंह पर जाबी लग गई है, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, यह लोकतंत्र की कमजोरी भी है। इन लोगों ने जिन सांसदों और विधायकों को वोट दिया है वह गुलाम जैसी हालत में अपने सरकारों में चल रहे हैं, लगभग वह मालिक बन गए हैं इन पार्टियों के और वह साथ नहीं दे रहे हैं। संकट ये है कि अगर वोट देने का ही हमारे देश में तरीका है, सरकार इसी से बदलती है, जनता इसी से मजबूत होती है, फिर अगर यही सांसद और विधायक नहीं सुनते हैं तो आखिर जनता तीसरा कौन सा उपाय लगाए, कौन तरीका खोजे। ये तमाम सवाल लगातार किसान आंदोलन ने उठाए हैं। पिछले 32 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन ने साबित किया है कि अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेंगी, अपने रास्ते खुद बनाने होंगे, क्योंकि हमारी सरकारें लगातार किसी न किसी पूंजीपति की गुलाम होती जा रही हैं।